गुड मॉर्निंग, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी एकदम अच्छी हूँ। 8 बजे आज हम सारे मैं आज 7:30 पर छूट गई थी, क्योंकि हमारे घर के बाहर बहुत ही बड़ा हंगामा हो चुका है। और हंगामा ये है जो हमारे सामने वाले हैं, सामने वाले हैं मतलब जैसे हमारे सामने ये वाला घर हो गया, इसके जैसे मतलब साइड में एक अंकल है, उनके घर में रातों रात में वो आ गए, टावर जो लगते हैं ना, मतलब जिनसे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो अभी पूरी कॉलोनी इकट्ठी मतलब हो चुकी है, और अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। मैं आपको एक बार ऊपर चल के दिखाती हूँ बाहर का माहौल। अब तो फिर भी भीड़ कम हो गई, वरना पहले हंगामा हो रहा था यहाँ पे। क्योंकि गाइस, जो गलत है वो चीज़ गलत है यार। तुम अपने मतलब फ़ायदे के लिए तुम दूसरों का नुकसान कर रहे हो, ये चीज़ देखो गलत है। तो ये सीन था, और हम देखते हैं क्या होगा। आज तुम्हें बस जाना है, चले गए छत पे आते ही। ये गाइस, ये वाले घर में हमारे घर के सामने ये है, इनके सामने जैसे यहाँ पे सब लगे हुए हैं, देखो गाइस, जो चीज गलत है वो चीज गलत है, देखो। तो इनके जो पीछे वाला घर है जहाँ पे टावर लग रहा था, उन्होंने देखा कि यहाँ पे रातों रात में सब सामान आ गया। उन्होंने सुबह के टाइम सबको इकट्ठा करा, और अब जाके अभी तो कुछ नहीं हो रहा, मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। और आप भी बताना कि मतलब कॉलोनी में टावर लगना सही है ही गलत है। वैसे तो गाइस गलत है, क्योंकि इसका मतलब वेंटिलेशन बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, मतलब मरने मुरने का भी डर होता है। तो सब लोग विरोध कर रहे हैं इसका, देखते हैं गाइस अब क्या होता है। गाइस, मामला शांति से निपट चुका है। जिनके घर में टावर लग रहे थे उनसे बात बात करी, सुलह मशवरा हो चुका है, अब नहीं लग रहे टावर। बाकी देखते हैं, जो भी अपडेट होगी मैं आपको देती रहूँगी। वैसे आज मुझे मार्केट जाना है, तो शायद मैं यहाँ पे ना रहूँ, मतलब दीक्षा के साथ मार्केट जाना है, शॉपिंग करनी है शादी की। ठीक है गाइस, अब चलिए मैं भी नहाती वहाती हूँ। 9 बज गए गाइस, 10 बजे तक चले जाएंगे हम। गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ, 11:30 हो रहे हैं अभी। वैसे मैं रेडी नहीं हुई, बस मैंने ये पहना हुआ है बॉडी सूट। मुझे बॉडी सूट बहुत कंफर्टेबल लगता है गर्मियों के हिसाब से, इसके बाहर से देखती हूँ। पहले तो सोचती मैं ऐसी चली जाऊँ, मैं सोचा नहीं, फैमिली ऐसा अच्छा नहीं लगता। देखो दिखा देती हूँ मैं एक बार, ये था ठीक है, स्विमिंग सूट डाला था। अब पहले सनस्क्रीन मंगा लेती हूँ मैं, मेरे को ये सही लगती है, अफोर्डेबल भी और अच्छी भी है मिनिमिस्ट की, तो मैं ये यूज़ करती हूँ गाइस। चलिए पहले रेडी हो जाते हैं फटाफट से। गाइस मैं नॉर्मल से कुर्ती पहनी हुई है जो लखनवी वाली होती है, और एक पर्स कैरी किया हुआ है पैसों और फ़ोन के लिए। वो सब बाहर पहुँचने वाले हैं, मैं भी चलती हूँ। मैंने आज कुछ मेकअप नहीं करा, सिर्फ सनस्क्रीन लगा किया और लिपस्टिक लगाया है न्यू ब्राउन कलर, और ऊपर से आई फिर उसे डैप डैप किया थोड़ा डाक के लिए। वो गाइस चलते हैं फटाफट से, वो सोच अगर पहुँचने वाले दिखे हैं। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं मार्केट में आज दोबारा से, फिर से आज मैंने कुर्ती पहनी हुई है, जैसे मैंने आपको बता दिया था। और गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा, और गर्मी में शॉपिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हमारे साथ कुछ चहेते आ रहे हैं हमारे सब्सक्राइबर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं गाइस। चलिए डाल के देख लो एक बार, फोटो खींच लेते हैं, दिखाओगी घर पे? इससे पहले वाली क्लिप थी वो लहंगे की थी, हमने लहंगा ले लिया था भाभी का, जो भाभी आगे चल रही है बड़ी वाली, लहंगा बहुत ही प्यारा है, हम शादी के दिन दिखाएंगे आपको। और फिर हम यहाँ से निकल गए थे, हमने आगे चल के खाया छोले भटूरे, और साथ ही में मौसम चेंज हो गया था। और ये ब्लाउज़ बहुत सही लगे थे, 200 की सेल लगी थी पराठे वाली गली में, आप भी आइएगा और देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे थे यहाँ पे। और फिर यहाँ से लिए हमने छोले भटूरे की प्लेट। यार गाइस महंगाई तो सर पर बैठ रही है, छोले भटूरे की प्लेट बताओ 100 रुपये की, हमने 3 प्लेट ली, हम 4 लोग थे खाने वाले, तो हमने सोचा कि 3 प्लेट हमारे लिए काफ़ी है, और वो बहुत ज़्यादा हो गई थी लिटरली।
और यहाँ पे हम छोले भटूरे खाते हुए साथ में मौसम के नज़ारे लेते हैं, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा था तो फिर इस वजह से। अब चलिए गाइस, हम अपने छोले भटूरे इंजॉय करते हैं और साथ में वेदर को भी इंजॉय करते हैं। गाइस वैसे तो चांदनी चौक के पराठे फेमस है, क्योंकि पराठे वाली गली उसका नाम ही रखा हुआ है। तो गाइस पराठे हम खाते हैं, बट पराठे बहुत ज़्यादा हैवी हो गए थे तो हमने सोचा कि यार पराठे को अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमें शॉपिंग करनी थी। तो हमने छोले भटूरे खाए हैं यहाँ पे इन दो बच्चों का, तो भाई अलग ही स्वैग का तूफ़ान, दोनों मतलब लड़ेंगे भी बहुत और प्यार भी बहुत है। ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगा पर मुझे बच्चा। एकदम से मार्केट का मौसम बदल गया, आंधी तूफान चालू हो गया। गाइस अभी हम लोग ओढ़नी पे आए हुए हैं। किसको हाई कर रही है ये? किसको हाई? तो गाइस अभी हमने ओढ़नी वाले से अपना लहंगा डन किया हुआ है। अभी हम कॉफी पी रहे हैं, इसकी वजह से पैसे दिए हैं 14,000 रुपए, तब कॉफी भी दिए। वो तो मैंने बोली थी, तो चाय की कह रही थी। क्या 14,000 की कॉफी है भाभी का? मूल लाइक क्या? इफ यू लाइक, थैंक यू भैया सो मच। गाइस हमें किसी बिस्किट भी मिल गए 14,000 रुपए में, 100 रुपए खर्च हो गए तो क्या होगा? ये देखो गाइस, देखो दोनों भाभी कैप्चर्ड इन ब्लॉग। गाइस अभी हम लोग बर्थडे पार्टी में आए थे, वैसे तो अभी हम लोग मार्केट से आए थे, फिर मार्केट से निकलते फिर हमें यहाँ पर आना पड़ा। हेलो हेलो, अपने अपनी मम्मी का लगा पहले वहाँ बैठी। देखो मेरी माँ कैसे खा रही है, ये फ्रंट तो हमारा ताई जी भी खा रही है, और ये मेरी प्लेट है गाइस। डाइट कॉन्शियस भी हूँ ना मैं, तो मैं भी थोड़ी सी तो डाइट कॉन्शियस के हिसाब से देखना पड़ता है। तो गाइज़ आप सोच रहे होंगे कि एकदम से किसका बर्थडे आ गया। हम घर पे आए थे 9 बजे रात के, और 9 बजे आने के बाद हमने थोड़े बहुत हम फ्रेश हुए। जो हमारी दादाजी हैं उनके पोते का, मतलब मेरे चाचा कज़न चाचा हैं, उनके बेटे का बर्थडे था जैतिक का, और ये फूफा जी हमारे, तो ये भी बहुत मस्त था फूफा जी हमारे, बिल्कुल चिल टाइप। तो हम यहाँ पर गए थे बर्थडे पार्टी में। तो गाइस हम लोग पार्टी से भी आ चुके हैं, और अभी टाइम हो रहा है 11:40, और दीक्षा भी मेरे घर पर आई हुई है रेस्ट करने के लिए, कह रही मुझे अपने घर में सुकून नहीं मिला। ये शादी वगैरह थकान हो जाती है, और आज मैं भी बहुत थकी हुई हूँ, तो वही सोते हैं, हम आपसे कल सुबह मिलते हैं। हे गाइस गुड मॉर्निंग, व्हाट्सअप गाइस, हम भी मस्त है बढ़िया। आज हमें मंदिर जाना था मंगलवार, बट बाहर बारिश आ रही है, बारिश आने का मौसम हो रहा है आ रही है, आई डोंट नो, साथ में जुकाम लग गया हम दोनों को। कुछ काम धंधा नहीं है क्या दीक्षा? काम धंधा नहीं है क्या कुछ? झाड़ू पकड़ पोछा पकड़, मान जा नाक तो दिखा अपनी, पागल है क्या? तो गाइस बस ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप कि आपको पसंद आया होगा वीडियो वाला। और गाइस ओढ़नी पे व्लॉगिंग वगैरह अलाउड नहीं थी, वो अपनी ड्रेस रिवील नहीं करते ऐसे, तो बट बहुत अच्छा लगा हमें दी का भी। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। राम राम जी, अल्लाह हाफिज़ गाइस।